हेलो लिटिल किड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। व्हेन एवर यू आर वॉचिंग माई वीडियो, नमस्कार। दिस इज आर के वर्मा, वेलकम टू साइंस मैसेंजर। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक टॉर्च के बारे में। इलेक्ट्रिक टॉर्च का स्ट्रक्चर, वो कैसे बना होता है, वो कैसे वर्क करता है, क्योंकि जब हम अंधेरे में होते हैं तब हमें टॉर्च की अहमियत या टॉर्च का इम्पोर्टेंस पता चलता है। तो जब हम अंधेरे में होते हैं तो टॉर्च हमारी मदद करता है। तो आइए हम देखते हैं टॉर्च किस तरह से बना होता है और किस तरह से फंक्शन करता है। तो टॉर्च देखिए, टॉर्च में ये 1, 2 ये सेल है। सेल के ऊपर ये प्लास्टिक का केस होता है, ये प्लास्टिक की कवरिंग। ये टॉर्च में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये है, देखिए, इलेक्ट्रिक बल्ब। टॉर्च के बल्ब के बारे में हम अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। ये टॉर्च का बल्ब है जिसमें दो टर्मिनल हैं। एक टर्मिनल इसका जो मेटालिक केस होता है बल्ब के एंड पर, उससे जुड़ा होता है, और दूसरा टर्मिनल यहाँ पर देखिए ये आया है, जो कि डायरेक्ट सेल के कॉन्टैक्ट में आता है। अब ये बल्ब जहाँ पर सेट है, यहाँ पर देखिए ये कर्व्ड है। आप टॉर्च देखेंगे, टॉर्च के अंदर कर्व्ड पोर्शन चमकीला रहता है, कर्व्ड आर्क में। इसलिए ऐसा बनाया जाता है। ये रिफ्लेक्टर का काम करता है। लाइट बल्ब से निकलकर यहाँ पर आएगी, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़ाने का काम करता है। ये इसीलिए हम इसको कहते हैं रिफ्लेक्टर। ये देखिए लाइट यहाँ से निकलेगी, इस पार्ट पर जाएगी, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करके आगे बढ़ाता है, इसीलिए इसका नाम है रिफ्लेक्टर। अब देखिए, बल्ब से जुड़ा हुआ एक वायर यहाँ पर आया है, जो कि लगा होता है स्विच से जुड़ा होता है। और हमने आपको बताया था सेल के दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से देखिए वायर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आया है। अब सारा खेल यहीं पर होता है। ये स्विच का कमाल है। स्विच जो है सर्किट को, स्विच को अगर हम ऑन करते हैं तो सर्किट हमारा कंप्लीट होता है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था, जब हमारा सर्किट कंप्लीट होगा तभी ये बल्ब ग्लो करेगा। जैसे हमने देखा था, ये मान लीजिए एक बल्ब है, यहाँ पर हमने लगा दिया था सेल या बैटरी, और ये वायर ये यहाँ पर। अब ये देखिए सर्किट कंप्लीट है, यहाँ से करंट चलेगी, यहाँ से होकर यहाँ तक आएगी, इस तरह से ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा। अगर हम इस सर्किट को कहीं पर काट दें, वायर को कट कर दें, तो ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो स्विच हमारा जो है सर्किट को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। किसी सर्किट में स्विच को हम इस तरह से दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा स्लाइड स्विच, ऐसी स्विच जो सरक सकती है। तो जब हम स्विच को आगे सरकाते हैं तो देखिए ये वायर यहाँ पर आया है और ये वायर यहाँ पर, और इस स्विच से जुड़ा हुआ जो पत्ती है या प्लेट, वो इस वायर को टच कर जाती है जब हम इसको आगे ऑन करते हैं। तो जब इस यहाँ पे टच कर जाएगी तो देखिए ये वायर यहाँ से आया, ये यहाँ से कनेक्ट है, ये यहाँ पर, ये इस वायर से टच हो जाता है, तो सर्किट हमारी पूरी कंप्लीट हो जाती है और ये बल्ब ग्लो करने लगता है, यानी कि जलने लगता है। जब हम स्विच को इधर सरका देंगे तो ये पार्ट जो इसका टच कर रहा है, ये टचिंग पार्ट, ये खिसक कर इधर पीछे आ जाएगा और यहाँ से देखिए ये कनेक्शन यहाँ कट ऑफ हो गया। तो स्विच का काम ही है सर्किट को ऑन और ऑफ करना। तो जब हम स्विच को पीछे स्लाइड कर देते हैं, खिसका देते हैं, तो यहाँ से देखिए कनेक्शन कट हो गया। तो करंट जो है सेल से यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से चलेगी, इधर से तो आएगी ऐसे, लेकिन इसके आगे यहाँ नहीं जा पाएगी, तो इधर करंट आएगी नहीं, सर्किट पूरा नहीं होगा, तो बल्ब हमारा जलेगा नहीं। जब हम फिर इस स्विच को आगे स्लाइड कर देंगे तो फिर ये यहाँ पर आ करके ये यहाँ से टच कर जाएगा और सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, करंट आएगी इस तरह से और इसके अंदर से जाएगी और ये हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो ये है इलेक्ट्रिक टॉर्च का स्ट्रक्चर, जिसमें सेल होता है,
स्विच होता है, बल्ब होता है, और ये जो है प्लास्टिक का केस या प्लास्टिक की कवरिंग होती है टॉर्च के चारों तरफ। तो इस तरह से हमारा टॉर्च फंक्शन करता है। अब जैसे क्वेश्चन पूछता है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक बल्ब है इस तरह से, अब यहाँ से मान लीजिए हम कोई सर्किट बनाते हैं इस तरह से, यहाँ पर हमने लगा दिया ये स्विच है, स्विच को ऑन करेंगे तो सर्किट कंप्लीट होगी। अब ये ऐसे ऐसे आ रहा है, यहाँ पर हमने लगा दिया बैटरी, हमने आपको बताया था एक सेल को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ये हमारा एक सेल, एक से अधिक सेल लगा देंगे तो उसको कहेंगे बैटरी, और पॉजिटिव टर्मिनल को लंबा दिखाते हैं, यहाँ से करंट चलेगी। स्विच मान लीजिए हमने ऑन किया, ये आएगी, यहाँ से जाएगी, ये बल्ब यहाँ पर ग्लो करेगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि अगर हम इस सर्किट को काट कर यहाँ पर कहीं पर प्लास्टिक का इतना बड़ा टुकड़ा जोड़ दें, ये मतलब ये वायर जो है कंडक्टिंग वायर है, कॉपर या एल्युमिनियम का बना हुआ, यहाँ पर अगर हम इतना बड़ा प्लास्टिक का बैंड लगा दें पट्टी, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा? करंट इधर से चलेगी, यहाँ तक आएगी, लेकिन चूंकि प्लास्टिक जो है इंसुलेटर है, इंसुलेटर या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को जाने नहीं देगा, तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगी। स्विच ऑन होने के बाद भी, स्विच ऑन होने के बाद भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो पूछा जाता है कि एक हम सर्किट बनाते हैं, उसमें कट करके एक जगह वायर के बीच में थोड़ा सा प्लास्टिक जोड़ देते हैं, प्लास्टिक लगा देते हैं, या प्लास्टिक का हत्था लगा देते हैं, या प्लास्टिक पतला वाला प्लास्टिक जोड़ देते हैं, स्विच ऑन करने पर क्या बल्ब जलेगा कि नहीं? तो स्विच ऑन करने पर भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि प्लास्टिक हमारा होता है इंसुलेटर, ये अपने अंदर से करंट को जाने नहीं देता है, इसलिए बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो बच्चों, ये था टॉर्च की संरचना के बारे में, टॉर्च कैसे बना होता है, कैसे काम करता है। तो हमें उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। अ लॉट ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।